हाय फ्रेंड्स, आज हमें बनेबा गोटे चटपटा अंडा रेसिपी मसाला 165। ये बहुत ही टेस्टी और सिंपल रेसिपी, याको आपण राती रे किबा लंच रे भी बनेई परिबे। ता सहित मोठरे पूरा पूरी थाली बनेईची, ताकु हमें देखिबा। किंतु ता पूर्वरु आपण हमर चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ नुवा वीडियो रो नोटिफिकेशन पे साइड रे थिबा बेल आइकन को निश्चय क्लिक करंतु। प्रथमे मसाला 165 पे मोठरे 3टा अंडा को बॉईल करिनेईची। ता सहित मोठरे भात को भी कुक करूची। मसाला 165 पे जो मसाला दरकार सेथिरे हमें प्रथमे गोटे इंच अदा को भल भाव रे छोटो छोटो पीस रे चॉप करी नबा। ता सहित तीनो रे चारोटी रसुण को भी हमें छोटो छोटो पीस रे काटी नबा। ये देखंतु अदा और रसुण कटा हे गेलानी। ता सहित दीटा मीडियम साइज रो प्याज को लंबा लंबा काटीबा। ये देखंतु प्याज हमर सब जिंस स्लाइस करकि नबा हमें। ता सहित गोटे मीडियम साइज रो टमाटर को भी हमें भल भाव रे लंबा लंबा स्लाइस करि नबा। ता सहित दुईटा कंचा लका को हमें मझिरु अंति चीरा लगाई स्लिट करि नबा। ता सहित मो प्रथमरु लंबा लंबा स्लाइस रे कटा हिथिबा ग्रीन कैप्सिकम रखिछि। 10 रु 12 मिनिट परे अंडा भल भाव रे सिझि गला परे ताकु एबे हमें पील करि नबा। आपण आपणक दरकार मुताबक अंडा नियंतु। मो एठारे 3टा अंडा नेइछि। अंडा को भल भाव रे पील कला परे सीझा अंडा को आपण एंती छोटो छोटो 4टा पीस रे काटि नियंतु। एबे हमर सीझा अंडा छोटो छोटो पीस रे कटा हे गेलानी। एबे देखंतु हमर सब जिंस रेडी हे गेलानी। सीझा अंडा कटा हेतिबा प्याज कैप्सिकम टमाटर आ अदा रसुण कटा। ता सहित एठारे हमकु सुखिला मसला रे अल्प टिके धनिया पाउडर, अल्प टिके लाल मिर्च पाउडर, अल्प टिके हळदी पाउडर, स्वाद हिसाब रे अल्प टिके लुण। ता सहित मोठारे ग्रीन चिली सॉस नेछि। आपण चाहिले रेड चिली सॉस भी नै परिबे। ता सहित एठारे मु टोमेटो सॉस नेछि। प्रथमे आमे गोटे कढ़ई रे 3 रु 4 बड़ चम्मच तेल को भल भाव रे गरम करिबा। तेल जतले गरम हे जिवो सेथिरे अदा आ रसुण कटा पकेबा। अदा रसुण कटा को गोटे रु 2 मिनिट हल्का टिके फ्राई करि नबा। एबे सेथिरे 2टा कंचा लंका कटा पकेबा। ए सब जिंस को 2 रु 3 मिनिट पर्यंत मीडियम फ्लेम रे टिके फ्राई कर नबा। एबे सेथिरे लंबा लंबा कटा हिथिबा कैप्सिकम पकेबा। स्लाइस करके रखिथिबा प्याज पकेबा। आ प्याज को टिके हल्का फ्राई कर नबा आमे। आकु आपण बेसी समय फ्राई करंतुनी। ये देखंतु टिके हल्का फ्राई हे गला पारे एबे सेथिरे लंबा लंबा स्लाइस करके रखिथिबा टमाटर पकेबा। टमाटर आ टमाटो सॉस यूज होउछि, आपण सेही हिसाब रे टमाटो नियंतु। एबे सेथिरे स्वाद हिसाब रे अल्प टिके लुण, अल्प टिके हळदी पाउडर, गोटे बड़ चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद हिसाब रे मोठारे गोटे बड़ चम्मच लाल मिर्च पाउडर नेछि। आपण आपण को स्वाद हिसाब रे नियंतु। ए सब मसला को एबे परिबा सहित भल भाव रे मिक्स करि नबा। ए सब जिंस को 2 रु 3 मिनिट मीडियम फ्लेम रे कवर करके कुक करिबा। 2 रु 3 मिनिट परे ये देखंतु कवर काढ़ के सब परिया बढ़िया भाव रे सिझि गलाणी। आकु आपण बेसी ओवर कुक करंतुनी। ये गोटे चाइनीज रेसिपी सेति पे एथिरे परिबा टिके अधा कंचा रहिबो। एबे सेथिरे प्रथमरु काटिकी रखिथिबा सिझा अंडा पकेबा। आकु आपण एबे बहुत ही हल्का हातरे भल भाव रे स्टर करि नियंतु, जेमती सब मसला अंडा सहित लागि जिवो। एबे सेथिरे 2टा बड़ चम्मच टमाटो सॉस आपण आपणक स्वाद हिसाब रे पकांतु। एबे सेथिरे गोटे बड़ चम्मच ग्रीन चिली सॉस पकेबा। सॉस को अंडा और परिबा सहित भल भाव मिक्स करि नबा। ये देखंतु एबे हमर 165 बनि गलाणी। गैस को एबे बंद करिबा। एबे हमर स्पाइसी और चटपटा 165 बनि कि पूरा पूरी रेडी अछि। ता सहित आमे एठारे स्टीम राइस और मटर आलू तरकारी बनेबा। एपटे देखंतु मो मटर आलू तरकारी बनै छी, सेति पई गोटे प्रेशर कुकर रे 3 बड़ चम्मच तेल गरम करिबा। सेतिरे आमे तेजपत्र, लौंग आउ जीरा पकेबा। टिके भाजे हिला परे सेथिरे कटा हेतिबा प्याज पकेबा। एबे सेथिरे कटा हेतिबा टमाटर गोटे पकेबा। एबे सेथिरे अदा रसुण पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, टिके नगु गोलमरीच गुंड, धनिया पाउडर,
ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହଳଦୀ ପାଉଡର ଆଉ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଲୁଣ ପକାଇ ସବୁ ମସଲାକୁ ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ଏବେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ମସଲାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ମସଲା କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ଏବେ ସେଥିରେ ପ୍ରଥମରୁ ଭିଜେଇକି ରଖିଥିବା ମଟର ଆଉ କଟା ହେଇଥିବା ଆଳୁ ପକାଇବା। ମସଲା ସହିତ ତାକୁ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଲା ପରେ ଏବେ ସେଥିରେ ଭରପୁର ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରେସର୍ କୁକ୍ କରିବା। ମଟର ତରକାରୀକୁ 2ଟା ହାଇ ହ୍ୱିସିଲ୍ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସମୟ ସିମ୍ରେ ରଖିଲା ପରେ ଏବେ ଆମର ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ ବନିକି ରେଡ଼ି ଅଛି। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଷ୍ଟିମ୍ ରାଇସ୍ ବି ବନିଯାଇଛି। ଆମେ ତା'ର ଏକ୍ସେସ୍ ୱାଟର୍ କାଢ଼ିକି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭାତ ବନିଯାଇଛି। ତା ସହିତ ମୁଁ ଏଠାରେ କିଛି ସାଲାଡ଼୍ ବନେଇଛି। ସାଲାଡ଼୍ରେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଳ୍ପ କିଛି କଟା ହେଇଥିବା କାକୁଡ଼ି ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି କଟା ହେଇଥିବା ଗାଜର ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପିଆଜ ବି ନେଇପାରିବେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ମୁଁ ଭାତ ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଚାଟ୍ ମସଲା ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ନେଇ ସାଲାଡ଼୍ ସର୍ଭ କରିଛି। ତା ସହିତ ଏଇ ମଟର ତରକାରୀର ଫୁଲ୍ ରେସିପି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇ ରେସିପିକୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଭାତ ତରକାରୀ ସାଲାଡ଼୍ ସହିତ ମସଲା ଚଟପଟା 165କୁ ଏମିତି ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ବନିଛି। ଏହାକୁ ଆପଣ ଫୁଲ୍ ଥାଳି ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ 165ର ରେସିପିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର୍ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।